Hey everyone, welcome to Digitally Raman. I hope you all are doing good. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ. So thank you so much first of all इतना प्यार देने के लिए. मैं of course ये बोलता रहूँगा, thank you हमेशा बोलूँगा. अपने vlog में हो चाहे कोई भी content में डाल रहा हूँ उसमें thank you बोलूँगा ही बोलूँगा. तो सबसे पहले तो thank you मामा अर्थ का जो मैंने video देखा था, वो short मैंने डाला था back in 2020. And I remember कि कोई मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशंस नहीं थे कोई मेरी कि मैं उसको व्लॉग को डालूंगा. व्लॉग भी नहीं था एक्चुअली, वो दैट वाज द नॉर्मल वीडियो. आई वाज वॉशिंग माय फेस, आई वाज शेयरिंग माय एक्सपीरियंस. इवन दो आई डिडंट से एनीथिंग इन द वीडियो, लेकिन वो रिस्पांस देख के आई एम जस्ट शॉक्ड, आई एम स्टिल सरप्राइज्ड. आप लोगों ने उस वीडियो को वायरल किया एंड इतने सब्सक्राइबर्स जुड़े, इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं. मैं हर किसी को आंसर नहीं दे पाता, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई. एंड जितना भी आपने मुझे प्यार दिया ना उसके लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू. सो ये व्लॉग जो है, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल व्लॉग. आई एम विद माई मॉम राइट नाउ एंड वी आर एट ध्यान योग आश्रम. तो दिस इज़ द रूम बेसिकली आश्रम में है. और जैसे कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस व्लॉग में कि हमने क्या क्या किया. एंड इट्स बीन टू नाइट्स नाउ, दो रातें हमने यहाँ पे स्पेंड कर ली हैं. एंड कल मॉर्निंग में भी हम हॉल ओपन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा. और अगर आप यहाँ पे आके आना चाहे और दर्शन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कभी भी आइए आप और हमसे जुड़िए, आश्रम से जुड़िए, आपको भी ब्लेसिंग्स मिले. तो अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं तो यह बाबा अनूपदास जी. मैं इस ब्लॉग में आपको पूरा सब कुछ दिखाने वाला हूँ जो भी हमने एक्टिविटीज़ की हैं. पीछे आप देख सकते हैं सीनरी गुरुदेव जी की है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव. हर जगह गुरुदेव है, हर जगह आपको डिवाइन पावर महसूस होगी. तो दिस इज़ जस्ट अ रूम जहाँ पे हम स्टे बैक कर रहे हैं. बाकी जहाँ पे सत्संग होता है, साधना होती है और कैसे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई, आई गोना शो यू इन दिस व्लॉग. सो लेट्स बिगिन. क्या पढ़ रहे हो आप? समाज का. दिखाओ एक बार. बाबा मलुकदास जी की बुक है ना ये. इसमें क्या क्या है? इसमें तो सारों ने अपने अपने वो दिए हैं ना, गुरुज कोई साधना पे है, योगराज जी की, प्रकाश देवी की कविता. ओके. यही मतलब गुरु जी के बारे में कविता उन्होंने क्या लिखी कमाल की, प्रकाश को लिखा था. जो कल उन्होंने बोली थी ना संजीव गांधी, वो प्रकाश देवी. ओके ओके. जो अंकल ने कल भजन सुनाया था, भजन नहीं था, कविता ही थी. कविता थी. ओके. पढ़ रही थी
नासिका मेरी, श्वास तुम्हारी, मस्तक मेरा, लिपि तुम्हारी, मतलब इस टाइप की उन्होंने अभी मैंने पढ़ी होंगी कहाँ से लिखी। इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है वैसे, इन सब दोहों से या कविताओं से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये ध्यान लग जाता है साथ, मतलब एकदम हमारा ध्यान लग जाएगा, ऐसी ऐसी वर्डिंग है। तो क्या कल कह रहे मछली, फिर मतलब इतनी आश्चर्य की बात है कि जल में ही रहती मछली और फिर भी प्यासी रहती, फिर भी प्यासी रहती। और ऐसे भगवान हमारे अंदर ही है, लेकिन हम ढूंढते रहते हैं इधर उधर। तो ये बुक अगर किसी को नहीं हो, जैसे सिर्फ आश्रम में मिलती है ये बुक, ये तो समारे का है। तो किसी को अगर परचेज करनी हो तो करते हैं, कितनी बुक्स पढ़ी लेते हैं। और ऑनलाइन अवेलेबल है ये? ऑनलाइन तो यहीं से मिलेगी ना, ध्यान योग साधना से। वो तो जैसे सागर के मोती है, प्रकाश इन कविताएं लिखी हुई, वो 40 रुपए की, 50 रुपए की। गुरु जी की है जो मैं पढ़ती हूँ, बुझता दीप जले, ये उन्होंने लिखी हुई है, तो वो भी इतने की, 50 रुपीज की। गोवर्धन जी की है, अलाहाबाद के हैं ना वो तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज, आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, जिसमें मैं आश्रम के और भी किस्से आपको सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, शुक्राना एंड थैंक यू अगेन।